वाइब्रेट कर रहे हैं वन ऑफ द अमेजिंग थंपिंग टेप्रॉनिक्स 9500 टावर स्पीकर वैल्यू फॉर मनी। आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है जेब्रॉनिक्स JEB-BD9500 RUCF मॉडल की। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि एटलीस्ट आपको जानकारी देना प्रोडक्ट से रिलेटेड, 2023 में कुछ चेंजेस हैं या नहीं या उससे पहले कुछ चेंजेस है उससे संबंधित जानकारी मैं देने की चेष्टा करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा, बिकॉज आप सब हमें सपोर्ट भी करते रहते हैं, जो हमारे कुछ पुराने कस्टमर्स भी है वो भी हमें रिपीटिव ऑर्डर देते रहते हैं, वो सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी ये जो प्रोडक्ट है जब भी लॉन्च हुआ था अभी तक चेंजेस आते रहने हैं। जैसे पहले जो लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में, जहां तक मेरे को ध्यान है पहले इसमें ब्लूटूथ नहीं आता था, SW करके मॉडल कहलाता था, फिर उन्होंने ब्लूटूथ लॉन्च किया, बहुत सारे चेंजेस हुए। और सबसे अच्छी बात क्या लग रही, मैंने इनको 2020 के आसपास एक फीडबैक दिया था कि आप HDMI पोर्ट में लेके आइए, और बाकी जहां तक मेरे को अनुमान है इन्होंने 2022 में ही वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और बादशाह मान लीजिए एक तरह से अपनी प्राइस रेंज में। इसका बेस काफी इफेक्टिव है, जिन्होंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है और जिन्होंने सुना हुआ है वो इसका महत्व जानते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये मॉडल परचेज करना हो तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, मेरी शिपमेंट दिल्ली से जाती है ऑल ओवर इंडिया, COD की फैसिलिटी मैं देता हूं, आमतौर पर मैं 10% एडवांस लेता हूं, बाकी 90% डिलीवरी के टाइम पे। और कभी कभी आप पूछते भी टिंकू भैया 90% जो भी आप एडवांस क्यों लेते हो, देखो मैं बड़ा सामान भेज रहा हूं ठीक है, और प्राइस भी आपको पता है मेरे बढ़िया प्राइस रहते हैं, कम से कम प्राइस में देने की कोशिश करता हूँ। बट आप खुद सोचो ना, ज्यादातर लोग तो पूरा पैसा ले रहे हैं, मैं तो फिर भी थोड़ा सा ही एडवांस ले रहा हूँ ना, तो हमें भी एक आश्वासन चाहिए जिसको मैं सामान भेज रहा हूँ वो डिलीवरी के टाइम वो पे कर देगा। दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज अगर मैं शिपमेंट करूंगा अगर कुछ भी होगा तो मेरा तो खर्चा आएगा ना, पैकेजिंग का भी, मेहनत भी लगेगी, सामान वापस भी आता है, तो हम एडवांस लेके चलते हैं, कोई दिक्कत ना हो। और बाकी इस टाइप की हमारी ऑर्डर की पैकेजिंग रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर वे में पैक है, फ्रजाइल की टेपिंग है, कांच के सामान के स्टिकर्स हैं, और बाकी आपके भाई को तो अनुभव आपको पता ही है, बचपन से मैं प्रोडक्ट सेल करता आ रहा हूं, और हमारे पास प्रोडक्ट्स काफी सारे होते हैं, जैसे जेब्रॉनिक्स का 9500, जेब्रॉनिक्स का 8500, जेब्रॉनिक्स का 7500, जेब्रॉनिक्स का बूस्ट 500, जेब्रॉनिक्स का ऑक्टेव, काफी मॉडल है, मतलब बता के मैं थक सकता हूँ, बाकी इतना मैं बता सकता हूँ। बाकी फिलहाल हमारा मेन मोटिव जो है वो जेब्रॉनिक 9500 से संबंधित जानकारी देना है, ताकि आपको आइडिया लग सके। एक तो फ्रेंड इसकी जो प्लाईवुड है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से इसका बेस काफी अच्छा आता है, और जेब्रॉनिक्स तो आपको जाना जाता है क्वालिटी के नाम पे, तो तभी करके ये मॉडल काफी इफेक्टिव है, पॉपुलर है। और मैं ड्राइवर साइज फिर भी बता देता हूँ जिनको आइडिया ना हो। फ्रेंड ये देखिए इन्होंने यहाँ डाल रखा है 4 इंची का मिड, ये 4 इंची का मिड है, यहाँ पे जो ट्विटर डाला हुआ है इसे डोम ट्विटर कहते हैं, तो ये 1.5 इंच का है, तो इसकी जो झनकार है वो काफी अच्छा आता है, तो अगर आपको झनकार महसूस करना है और वोकल वगैरह काफी क्लियर आते हैं, और इसमें जो साइड में आप देखेंगे ये इसे कहते हैं सबवूफर, तो इन्होंने सबवूफर दिया वो 10 इंच का दिया है, और सबवूफर का मेन काम होता है खाली धमक पे ध्यान देना, तो ये खाली धमक देता है, यहां से आपके वोकल यहां से आपके झनकार ये पेयर में आता है। और बाकी बताना चाहूंगा कि इसमें जो मेन चेंज है वो बताना चाहूंगा, पहले HDMI नहीं आता था ठीक है, डिजिटल ऑप्टिकल नहीं आता था, आपको एक्सेल का नहीं आता था, अब वो फीचर आने लग गया इस मॉडल में, बाकी सोने पे सुहागा है, मजा आ जाएगा जब आप इसको प्ले करेंगे, आप टेलीविजन से भी चला सकते हैं HDMI पोर्ट के जरिए, आपके लिए इजी रहेगा, या फिर आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल फीचर्स की, मैं बात बताना चाहूँ, आप इस पे ब्लूटूथ के जरिए चला सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, आप इस पे देखा जाए ऑक्स के जरिए चला सकते हैं, HDMI को पोर्ट का मैंने आपको बता दिया, आर्क का फीचर दे ही रहे हैं, और डिजिटल ऑप्टिकल का भी है, कोएक्सियल का भी है, और क्या चाहिए, सोने पे सुहागा है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, जेब्रॉनिक्स के सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया, बहुत बढ़िया बात है। और बाकी इसमें टावर में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है बिल की डेट से, और जो इसमें एसेसरीज आती है, वायरलेस माइक हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया ठीक है, और ये टेस्टिंग वारंटी में आते हैं जहां तक मेरे को नॉलेज है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब हम आपकी बात करते हैं हाइट की ठीक है, आप पूछते भी ना टिंकू भी हाइट भी बता दिया करो क्या जाता है, चलो आइए दिखाते हैं, यहां से एस्टिमेट मानिएगा मैं जो बता रहा हूं आपको,
अप्रोक्सीमेटली 93.5 सेंटीमीटर के आसपास, 93.5 सेंटीमीटर के आसपास। यहां से लेके यहां तक दिखाने की चेष्टा करता हूं, ये अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड जो है 16 सेंटीमीटर के ऊपर हल्का सा आसपास ही है, 16 सेंटीमीटर के, 16 सेंटीमीटर मान लीजिए इसको एस्टिमेटली। और यहां से लेके यहां तक दिखाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 34 सेंटीमीटर के आसपास। तो अब आपको अनुभव हो गया कि टिंगू भैया ना, एक तो प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, 4 इंची का मिड और डॉम ट्विटर है 1.5 इंच का, सब वूफर है इसका 10 इंच का, और इसकी जो पावर है ना 100 वॉट है RMS। और बाकी ये देख लीजिए मेरी हाइट, देख लीजिए 5 फुट 8 इंच के आसपास का हूं मैं, और मेरे कमर तक आता है, मोर देन सफिशियंट है, और क्या चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैंने इसके परचेज का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा, आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हो, अन्यथा आप मुझे कॉल कर लेना 9650722798 पे, अगर आप आके लेना चाहें तो आप मुझे कॉल कर लेना, टिंकू भैया मेरे को जेब्रोनिक्स का 9500 टावर स्पीकर चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर मेरे पास होगा तो ऑन द सेम मोमेंट, नहीं तो वेयर हाउस से मंगवा दूंगा। ठीक है, बाकी आने से पहले कॉल जरूर कर लेना। अब मैं काम करता हूँ, बैक साइड से दिखाता हूँ, आइए। तो कोशिश रहेगी जानकारी संपूर्ण रहे तो अच्छा रहेगा ना, बैक साइड से भी दिखा दूं आपको। इसकी बात कर रहा था मैं, ये देखिए पहले नहीं आता था ना, जो ऑलरेडी यूज करे कोएक्सियल डिजिटल ऑप्टिकल, ये HDMI का आर्क, ये नहीं आता था। यहाँ पे FM की केबल लगा सकते हैं, ये ऑक्स के लिए है, राइट इनपुट, यहाँ से केबल आती है, सिंपल आपको यहाँ पे प्लग करना होता है। ठीक है, और ये मेन बात क्या है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में घुसेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव में, यहाँ मार्किंग भी लिखी होती है, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। बाकी फ्रेंड ये रहा इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है, पावर बेस्ड है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टिंकू भैया इसमें क्या कहते हैं साइड का बटन बता दो, बता ही देते हैं, कॉमन ही है दोस्त, वैसे ही है, ये वॉल्यूम का हो गया, ट्रेबल बेस यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, इको की एडजस्टमेंट माइक की, माइक का वॉल्यूम, और 2 माइक अलग से लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और क्या चाहिए आपको। और चलो एक काम करें, माइक का भी टेस्ट कर देते हैं, चलिए। तो फ्रेंड एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा एक गोल्डन रूल अपनाना, एक तो आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है टावर के साथ, दूसरा माइक का वॉल्यूम, माइक का इको आपने कंट्रोल करना है, कम रखना है, ठीक है, एडजस्ट करना है मीटू से, तो अब यूज करिएगा। तो फिलहाल मैं भी ऑन कर रहा हूं, ये VHF माइक है, एक माइक यूज कर दिखा देंगे आपको आइडिया लग जाएगा। हेलो हेलो, ये देखिए आवाज क्लियर आ रही है, आवाज कहीं से फट नहीं रही, कैरोके कंपैटिबल है, आप सिंगिंग करना चाहो सिंगिंग करो, पार्टी में एंजॉय करना है पार्टी में करो, चाहे टेलीविजन में चलाओ, चाहे इंडोर बजाओ, चाहे आउटडोर बजाओ, मजा ही मजा है। और फ्रेंड वैसे भी देखा जाए नया साल आने वाला है, और कभी लोग इसमें गणेश पूजा में भी यूज करते हैं, ठीक है, कई लोग अलग अलग फंक्शंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, कहीं 15 अगस्त में भी यूज करते हैं, पैसा वसूल प्रोडक्ट है, मजा आ जाएगा, एक समझ लीजिए खुशियों का तोहफा है, जेब्रोनिक्स का 9500 टावर स्पीकर। और बाकी ये मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम वीडियोस बनाने के लिए, और ये अपडेट तो पिछले साल का था, मैं वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए माफी चाहूंगा, फिलहाल मेन पर्पस था आपको इसके बारे में बताना। तो एक काम करते हैं ना, इसका एक्सेसरीज क्या क्या आती है वो दिखाते हैं, चलिए चलिए फ्रेंड मैं काम करता हूं, इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती है उससे संबंधित जानकारी देने की चेष्टा करता हूं, चलिए आइए देखिए। ये देखिए फ्रेंड एक्सेसरीज में क्या क्या आती है, जेब्रोनिक्स 9500 RUCF मॉडल के साथ, एक तो ये FM केबल आती है इस प्रकार की जैसे कि आप देख रहे हैं, नंबर वन। सेकंड आप केबल देखेंगे ये होती है RCA2 स्टीरियो केबल, एक तो आपको ये मिलता है, तीसरी मिलती है आपको RCA2 RCA केबल, ये 3 चीजें होगी। एक फ्रेंड आपको मिलता है QR कोड साथ में, इसको आप स्कैन करके इसका यूजर गाइड आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार का एक आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, इनपुट सेव EQ म्यूट, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये वॉल्यूम डाउन आप देख सकते हैं। और बाकी रहा सवाल फ्रेंड, आपको रिमोट का आइडिया हो गया, इस प्रकार के 2 VHF माइक आते हैं, और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या करके कलर कोडिंग, तो मैंने माइक को चेक करने के लिए मैंने सेल डाल रखे हैं, बाकी साथ में सेल आते नहीं है इनके। ये देखिए माइक 1 की फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहूंगा 239.4 मेगाहर्ट्ज, मैं रिपीट करता हूं 239.4 मेगाहर्ट्ज, ये माइक 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो माइक 2 की फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए ये माइक 2 की फ्रीक्वेंसी है 261.8 मेगाहर्ट्ज। तो आपको आइडिया लग गया कि चलो एटलीस्ट
कि भाई इसमें एक्सेसरीज क्या आती है, माइक की फ्रीक्वेंसी क्या है, कल को मान लो इनकेस कोई माइक हो जाता है, दूसरा हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि अगर एक ही है तो दूसरे की क्या हो सकती है। तो ये आपको मैंने जानकारी दी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सेसरीज के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। तो बाकी एक काम करेंगे, ट्रैक प्ले करने से पहले ना जो ये वाइब्रेशन दे रहा है मॉडल, तो मैं उसका छोटा सा क्लिप शेयर करूंगा, उसके बाद आप वो देख सकते हैं इसका ऑडियो टेस्ट। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ। अच्छे वाइब्रेट कर रहे हैं, वन ऑफ द अमेजिंग थंपिंग टेप्रॉनिक्स 9500 टावर स्पीकर, वैल्यू फॉर मनी। फ्रेंड्स, आपने वाइब्रेशन देख ली, कैसा लगा कैसा नहीं आप बताइएगा, और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपके लिए ट्रैक प्ले करूंगा और हेडफोन यूज कर लेना। ठीक है, तो एक छोटा ट्रैक प्ले करते हैं आपके लिए, और बेस काफी तगड़ा है फ्रेंड, ये ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको वाइब्रेशन का भी फील हो जाके, क्योंकि मैं जो ट्रैक प्ले करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ बेस के ऊपर। ठीक है, ये देखिए, काफी अच्छा है देखा जाए ओवरऑल, और बाकी जो इसका बेस है काफी इफेक्टिव है, काफी शानदार है, और बस इतना बोलना चाहूंगा, छोटा सा मैंने डिस्प्ले किया मैंने आपके लिए, तो आपको आइडिया लग गया होगा। मैंने आपको माइक यूज करके दिखाया, एक्सेसरीज बताई, और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या पोर्ट आते हैं, उसके संबंधित जानकारी देने की कोशिश करी। अगर आपको ये बाय करना हो तो आप मुझे बाय कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, आई मीन इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहे तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9650722798 पे, अन्यथा आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है tulipsmile.com, TULIP tulipsmile.com, SMILE.com। तो फिलहाल देखिए, मैंने कोशिश करी आपके लिए वीडियो बनाने की, और दिखने में होता है कि आपको लग रहा होगा छोटी सी वीडियो बनाई है, बट फिलहाल मैं बताना चाहूंगा मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने पे। हो सके तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, टिंकू भाई को जरूर सपोर्ट करना, दिल्ली वाले टिंकू भाई, और फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर करना। मेरी कोशिश थी ऑडियो ट्रैक चलाना, एक्सेसरीज बताना, माइक को यूज करके बताना, वो संभवतः संपूर्ण हुआ। बाकी थोड़ा सा रह गया था, मैं आगे का बता देता हूँ छोटा सा, वो आप देख लीजिए क्या क्या पोर्ट आते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। आइए जरा ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, ये रह गया था, और ये देखिए प्ले पॉज, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, इक्वलाइजर, इनपुट एंड स्टैंड बाय। तो फ्रेंड, स्टार्टिंग में ना लाइन बनी हुई आती है, तो यहाँ पे आप सिंपली स्टैंड बाय पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से अपना इनपुट चेंज कर लीजिएगा। तो बाकी रात बात फ्रेंड, अगर आपको जेब्रॉनिक्स के प्रोडक्ट परचेज करने हो टावर में, जैसे 9500, 8500, 7500, बूस्ट हो गया या ऑक्टेव मॉडल हो गया, इनके डीजे स्पीकर हो गया, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके परचेज लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख लेना और क्या रहता है। ठीक है, और बाकी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, प्राइस वगैरह सब देख लेना। ठीक है, और बाकी आपके मन में क्वेश्चन आता है टिंकू भी आप प्राइस वगैरह नहीं बताते, उसका रीजन क्या है? आज से देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 8-10 साल पहले क्या प्राइस था जिन्होंने परचेज किया हुआ, आज क्या प्राइस है, इन्फ्लेशन की वजह से तभी करके मैं परचेज बताता नहीं क्या प्राइस चल रहा है। बाकी फोन नंबर दिया है, जिसको लेना है वो तो फोन कर ही लेगा। एनीवे, मेरा जो पर्पस था आपको प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी देना संपूर्ण हुआ। आई होप यू विल लव दिस वीडियो, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें, इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहें। धन्यवाद, बाय बाय।